व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, हो गया था यहां तक। ओके, अब चलो देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ई एंड वी फर्क नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है? Yes, sir. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी। चलो देखो यहां पे, सपोज एट पॉइंट ओ देयर इज चार्ज क्यू एंड हियर द चार्ज इज क्यू नॉट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्यू नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस्ड है। चार्ज क्यू नॉट इज एट पॉइंट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट एट पॉइंट ए, क्या होगा उसका वैल्यू? क्यू नॉट ई एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ये हो जाएगा। सपोज दिस चार्ज क्यू नॉट इज डिस्प्लेस्ड अप टू पॉइंट बी बाय स्मॉल अमाउंट dx, व्हाट विल बी वर्क डन? dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स होगा ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है कि दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स। ओके, दिस वर्क विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव वर्क, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इनटू इक्वेशन टू फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ का वैल्यू क्या है? क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। होगा ना, एफ का वैल्यू पुट करोगे तो? यस सर। नाउ इसको क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। और डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कौन से फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा? विच फिजिकल क्वांटिटी? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देखो ये फॉर्मूला था, तो क्या हो जाएगा इसको? डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू डी वी, ये हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं? डी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी वी एंड ई डी एक्स। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ओके, ठीक है। ये दूसरा क्या होगा, यानी कि अगर अपने को v का वैल्यू गिवन है और e का वैल्यू फाइंड करना है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला e इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है? Yes, दूसरा क्या होगा, सपोज इसको मैं इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी वी? क्या होगा
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या हो जाएगा वी, तो वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। ओके, तो दीज आर टू रिलेशन बिटवीन ई एंड एफ। अगर वी का वैल्यू गिवन है तो ई का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से फाइंड करोगे। E का वैल्यू गिवन है, V फाइंड करना है, तो ये वाले इक्वेशन से फाइंड करोगे। आया समझ में? यस सर। ओके, नोट डाउन कर लो इसको, बीच बीच में नेट प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा ब्लर। क्या चीज सर? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? माइनस इंटीग्रेशन E के बाद क्या लिखना? EDX इंटीग्रेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू x। ओके सर। ठीक, तो जो फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx और v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EDX। ओके, ये हुआ रिलेशन बिटवीन E एंड v। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज गिवन पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू 4x स्क्वायर। वी का वैल्यू है 4x स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट 102, ऐसा बोला है। V गिवन है, E फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर फर्स्ट, फर्स्ट वाला चलो करो। देखो क्या है, E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स, वी का वैल्यू पुट कर दो 4x स्क्वायर। अब ये 4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1। तो यहां भी क्या हो जाएगा माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 होगा। तो E इक्वल टू हो गया माइनस 8x। अब x का वैल्यू 1 पुट करना है, अगर y है तो 0 पुट करना है, z है तो 2 पुट करना है, तो यहां पर तो ओनली 1 है ना, तो E इक्वल टू माइनस 8 × 1 यानी माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। आया समझ में? Yes, sir. Okay, is it clear? आशीष? गुंजन? Yes, sir. Okay, चलो अब देखते हैं। जैसे मान लो इसी में अगर ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड तीनों गिवन है, यानी ये ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इस टाइप का है वी का वैल्यू। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो उसके लिए होता है जैसे ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, या ऐसा लिख सकते हो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी वी अपॉन डी जेड, यानी थ्री डायमेंशनल में ऐसे लिखेंगे I कैप J कैप K कैप। ये भी एक फॉर्मूला है, कब? When X, Y and Z all three are given। X बता रहा है I direction, Y J कैप बता रहा है Y axis, K कैप बता रहा है Z axis। आया समझ में? Yes, sir.
तो अब देखो यहां पर डीवी अपॉन डीएक्स यानी ओनली एक्स वाले का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डीएक्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। आया समझ में? नो सर, नहीं आया। देख यहां पर v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया है यानी थ्री डायमेंशनल है। थ्री जो फॉर्मूला अपना होता है माइनस डीवी अपॉन डीएक्स ओनली एक्स एक्सेस के लिए, बट तीनों के लिए क्या होगा डीवी अपॉन डीएक्स आई कैप डीवी अपॉन डीवाई जे कैप डीवी अपॉन डीजेड के कैप। ये यहां तक फॉर्मूला क्लियर है? अब dv अपॉन dx यानी ओनली x जिसमें x है ना उसी का डिफरेंशिएशन होगा बाकी का नहीं होगा, तो ओनली x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। क्या होता है x स्क्वायर का? वही फॉर्मूला लगाओगे d अपॉन dx x के पावर n n x के पावर n माइनस वन ऐसा होता है ना। तो यहां भी क्या हो जाएगा n के प्लेस में 2 है 2 माइनस वन यानी 2x होगा कि नहीं होगा? ठीक है, dv अपॉन dy क्या हो जाएगा d अपॉन dy और y वाला क्या है y स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 2y होगा इतना। यस सर। फिर dv अपॉन dz क्या होगा बताओ? d अपॉन dz z क्या आएगा 1। आया समझ में? यस सर। अब क्या बोलेगा सब देखो, अब इसमें अगर कोई कोऑर्डिनेट देता है कि एट पॉइंट 1, 2, 3 यानी आफ्टर डिफरेंशिएशन एक्स का वैल्यू 1 पुट करना है वाई का वैल्यू 2 पुट करना है जेड का वैल्यू 3 पुट करना है, तो बताओ डीवी अपॉन डीएक्स क्या हो जाएगा 2 into 1 कितना होगा 2। dv अपॉन dy कितना होगा 2 into y का वैल्यू 2 है क्या हो जाएगा 4। और dv अपॉन dz z का वैल्यू 3 तो यहां पर तो z है ही नहीं क्या होगा 1। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो ये जो तुम्हारा dv अपॉन dx dv अपॉन dy और dv अपॉन dz है इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx का वैल्यू आया 2 i कैप dv अपॉन dy 4 j कैप dv अपॉन dz हो गया k कैप, ये हुआ e का वैल्यू। ठीक है? ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको जल्दी। हो गया, इसको क्लीन कर दूं। चलो देखो यहां पे, तो सपोज पोटेंशियल डिफरेंस v गिवन एज 3x स्क्वायर प्लस y, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0, 2, 3। चलो बताओ बन जाएगा? क्यों ओनली एक्स और वाई है जेड वाले को तो लेना ही नहीं है, फिर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू माइनस डीवी अपॉन डीएक्स आई कैप प्लस डीवी अपॉन डीवाई जे कैप। आया समझ में? तो डीवी अपॉन डीएक्स का वैल्यू फाइंड करो डीवी अपॉन डीवाई का वैल्यू फाइंड करो, एक्स लोगे यानी ओनली 3x स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन, क्या होगा डी अपॉन डीएक्स 3x स्क्वायर 3 तो कॉमन निकल जाएगा d अपॉन dx x स्क्वायर क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 1x।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, अभी तो 10 बार किया हूं ना मैं, क्या करते हो तुम लोग, एक तो डिफरेंस का फॉर्मूला याद करने नहीं बनता तुम लोग से। सर 2x, 2x होगा, पढ़ना लिखना है नहीं, एक तो फॉर्मूला बता रहा हूँ 3 दिन से, ये फॉर्मूला याद कर लो, उसको कर नहीं रहे हो। चलो 2x हो गया, यानी 6x। अब x का वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 बोला है ना, 0, 2, 3, तो एट x इक्वल टू 0 क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। आया समझ में? यस सर। चलो अब dv अपॉन dy निकालो, कैसे 0 आएगा, d अपॉन dy क्या है वहां पे y के प्लेस में, y है, तो dy अपॉन dy क्या होता है, वन, तो वन आएगा ना, जीरो कैसे बोल रहा है, जेड वाला नहीं है। चलो वैल्यू पुट कर दो, माइनस वन देकर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस, ये हो गया 0 और ये हो गया जे कैप, यानी माइनस जे कैप, ठीक है। हो गया, यहां तक आया समझ में? Yes. अब चलो देखो, अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एट ई इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा बोला है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट 1, 2, 3, ऐसा गिवन है E इक्वल टू ए, ए यहां पर कांस्टेंट है, ए अपॉन एक्स क्यू, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E गिवन है, वी फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेकेंड वाला, वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स, e का वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस इंटीग्रेशन माइनस ए अपॉन एक्स क्यू डी एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, ए कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स। अब इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, क्या होता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होता है, याद है फॉर्मूला, माइनस एक्स के पावर माइनस, ये होता है एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है, 2-3 तो फॉर्मूला याद करने बोल रहा हूं, उसको तुम लोग याद नहीं कर रहे हो, एक हफ्ता हो गया, इंटीग्रेशन डीएक्स ये भी पूछता हूं नहीं बताते हो, एक्स होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डीएक्स, log e x, ये तीनों रट डालो, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो तो यहां पर कैसे इसको सॉल्व करोगे, v इक्वल टू a इंटीग्रेशन 1 अपॉन x क्यू, यानी x टू द पावर माइनस 3 dx, ऐसा लिख सकते हैं, इसको अभी ठीक है। यस सर। तो
इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, वन अपॉन एक्स क्यू को एक्स के पावर -3। सर अब ये वाले फॉर्मूला यूज करके बताओ क्या होगा इसका वैल्यू। एन के प्लेस पे यहां पर हो गया है -3, -1 by x square। तो v इक्वल टू ए, ये हो जाएगा x के पावर n के प्लेस पे क्या है -3 है, -3 + 1 अपॉन -3 + 1। ठीक है, आया कि नहीं समझ में यहां तक? सर तो ये हो जाएगा तुम्हारा v इक्वल टू ए, माइनस था ना तो -a एक्स के पावर -2 अपॉन -2, यानी ये, माइनस से प्लस हो गया था। हाँ तो ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा 1/2x² ऐसा लिख सकते हो। क्यों, ई का वैल्यू तो -a/x³ था ना, तो वो वाला माइनस यहां पर है सर, ये। फॉर्मूला में पहले से माइनस है तो वो प्लस नहीं हो अच्छा हाँ, सकता। फॉर्मूला में पहले से है तो ठीक है, प्लस हो गया। अब यहां पे आ जाएगा माइनस, इतना हुआ। यहां तक क्लियर अब एक्स का वैल्यू इसमें क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दो, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a 1/2 × 1 यानी -a/2 वोल्ट। ओके ठीक है, चलो बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिवन एट ई इक्वल टू 4x² फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 1, 2, 3। चलो बनाओ इसको, बन जाएगा एकदम इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। चलो सॉल्व करो जल्दी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला पुट करोगे, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। सर -4/3। हाँ देखते हैं, e का वैल्यू 4x² है dx, तो v इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन x² dx। चलो इंटीग्रेट करो इसको, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्यों गुंजन बताओ। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी कितना आएगा, एक्स के पावर 2 + 1/2 + 1 ऐसा होगा, यानी -4/3 x³। और एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, 1, तो -4/3 इतना आ रहा है आंसर। चलो ओके ठीक है, इसको यूट्यूब से देख देख के नोट्स बना लेना।
ये तुम्हारा हो गया, अगर v पता है तो e कैसे फाइंड करेंगे और e पता है तो v कैसे फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर e, e का फॉर्मूला क्या है बताओ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड e का फॉर्मूला F by Q। क्या बोल रहा है? F by Q। e का फॉर्मूला F by Q। दूसरा आर के फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी, वी का फॉर्मूला क्या है? क्यों आयुष? क्यू बाई आर, के इंटू क्यू अपॉन आर, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब बोलेगा सोल्व द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस आर। तो ऐसे आर कर दो इधर ई और इधर वी, कैसा ग्राफ आएगा बताओ फर्स्ट वाले का? ऐसा पैराबोलिक कर्व आएगा। सेकेंड वाले का? सेकेंड में भी आर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो वी का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी इसका भी ग्राफ कैसा रहेगा? कर्व रहेगा। बट ये बताओ ज्यादा कर्व कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा कर रहेगा। तो ऐसा ग्राफ बनाना, क्योंकि ये ज्यादा लोअर हो गया, यानी ये हो गया ई का ग्राफ और ये हो गया वी का ग्राफ। वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी ई विल बी मोर कर। ओके आया समझ में? ये कभी कभी ये ओनली ग्राफ दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो मोर कर्व है ज्यादा लोअर हो रहा है दैट इज ई, लेस कर्व है दैट इज वी। ग्राफ प्लॉट कर लो। चलो क्वेश्चन, पोटेंशियल, वट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन क्लोज सरफेस। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन क्लोज सरफेस। क्लोज यानी ए टू बी गया फ्रॉम पाथ वन, बी टू ए आया फ्रॉम पाथ टू। वट इज द टोटल वर्क डन, क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सपोज हियर पोटेंशियल है ए एंड यहाँ पोटेंशियल है बी, तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा कि नहीं होगा? यस सर। सिमिलरली व्हेन चार्ज क्यू मूव फ्रॉम बी टू ए, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये भी होगा। तो नेटवर्क वन प्लस टू क्या होगा? ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन क्लोज पाथ। तो क्या बोलोगे? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन क्लोज पाथ विल बी जीरो। ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक कर लेना। क्वेश्चन को जो मैं भेजा हूं उसको बनाओ। ओके और संडे इवनिंग तक मेरे को सेंड करो पर्सनली, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो उस पर मैं मंडे को एक बार डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलो तो इतना रहने दो आज।